मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जींद जिला मुख्यालय पर स्थानीय एकलव्य स्टेडियम परिसर में पुलवामा के शहीदों को समर्पित मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने मैराथन के पश्चात विजेताओं को सम्मानित भी किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में बड़ी बड़ी मैराथन इनको करने का एक अभियान शुरू किया है और आज ये 8वीं मैराथन थी और इन सब मैराथन में 10,000 से लेकर 50,000 तक की संख्या नौजवानों की ये रहती है। नौजवानों को हमें प्रेरणा देते हैं कि किसी न किसी कॉज के लिए वो मैराथन का उपयोग करें और उस कॉज को उसके कुछ कॉज समर्थन के होते हैं, कुछ विरोध के होते हैं, तो उसके अंदर अपनी भूमिका निभाए। जैसे हमने आज यहाँ पर जो मैराथन की है ये समर्पित थी जो पुलवामा में जो शहीद हुए उनके शहीदों के समर्थन में, यानी एक प्रकार से उनको समर्पित ये मैराथन थी और देशभक्ति का जज्बा युवकों में खड़ा होना चाहिए, देश की एकता अखंडता के लिए उनको आगे आना चाहिए। इसी प्रकार हमने सिरसा में एक मैराथन की थी, बहुत बड़ी संख्या थी, लगभग 50,000 की संख्या, जिसमें हमने नशे के विरुद्ध एक अभियान छेड़ने की बात कही थी, ड्रग फ्री इंडिया इस प्रकार का एक अभियान भी हमने चलाया था। यमुनानगर में एक मैराथन की थी जिसमें रोड एक्सीडेंट से किस प्रकार से लोग सावधान रहें और ट्रैफिक रूल्स का किस प्रकार से पालन करें ताकि जो अब दिन प्रतिदिन जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं जिसमें लोगों की बहुत मृत्यु होती है, केवल हरियाणा में वर्ष में लगभग 5,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन की थी। हर एक मैराथन का हमारा एक संदेश रहता है और इस मैराथन के माध्यम से नौजवानों को उत्साह, जोश, उनकी शारीरिक क्षमता ये बढ़े, इस अभियान को हम लगातार चलाए रखें। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युवा दर्शक बनकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। अर्थ प्रकाश टीवी जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट।